अभी मैं जा रहा हूँ थियनमेन स्क्वायर। थियनमेन स्क्वायर ऐसी जगह है जो जैसे अपना कैद आज़म का मज़ार है या फिर मीनार पाकिस्तान है, ऐसे ही आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारा थियनमेन है, वो जो नज़र आ रहा है वो थियनमेन टावर है। और ये इस साइड पे म्यूज़ियम है और नज़दीक जाके बस दिखाता हूँ मैं आपको ना थियनमेन। मैं आ गया हूँ थियनमेन टावर के पास। ये थियनमेन टावर है और अभी चलते हैं थियनमेन स्क्वायर। ये देख रहे हैं बहुतों की तस्वीर लगी हुई है सारा देख रहे हैं। ये मेरे पीछे आप थियनमेन देख रहे हैं, थियनमेन है जो इनका जैसे अपना कैद आज़म था ना, तो उसकी बॉडी ना इधर नीचे अंडरग्राउंड में नीचे रखी हुई है मसाले लगा के ना, तो आप जाके देख सकते हो। मैं जाऊंगा देखने के लिए बट वो कैमरा और कोई चीज़ अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए, वरना मैं आपको दिखाता क्योंकि अभी तक उन्होंने रखी हुई है फिर उनकी लाश नहीं जैसे रखी, इन्होंने भी मसाले लगा के ना अपने जिसने आज़ाद कराया था चाइना को उसने ये रखी हुई है उसकी मैंने। और ये जो रोड मेरे पीछे देख रहे हो ना, उस रोड पे खुलने में आया हिस्ट्री में के इस रोड पे तकरीबन लोगों ने एहतजाज किया था ना पहली बार, तो सारों पे बलडोज़र चढ़ा दिया था, यही सब मार दिए थे। कि आप देख रहे हो ये सारी जगह इसीलिए उन्होंने वो बंद की हुई है या ट्रैफिक नहीं है मेरे। उस दिन से आज तक चाइना में एहतजाज बंद है, आप कर नहीं सकते चाइना में कोई एहतजाज ना, मीन रोड पे नहीं निकल सकते जैसे हमारे कंट्री में पाकिस्तान में निकल आते हैं लोगों पर हड़ताल हो जाती है, चाइना में नहीं कर सकते। और अभी जाके मैं देखता हूँ कि मौजूद हूँ किला, फिर मैं आके बताता हूँ। नहीं यार वो अंदर जाने नहीं देते कैमरा वगैरह ना, तो फ़ोन घड़ी सारा कुछ रख लेते हैं, इसलिए तो आज तक उसकी तस्वीर कोई बाहर नहीं आई। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी और जगह, फिर मिलते हैं आपसे ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं ये सारा थियनमेन स्क्वायर है, बीजिंग का ना मेन पॉइंट है ये। चलो फिर मिलते हैं।